हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और सिरसा जिला के जिला परिषद के चेयरमैन करण सिंह चौटाला मौजूद हैं, बातचीत करेंगे परिवर्तन पद यात्रा को लेकर के। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब तक की परिवर्तन पद यात्रा के बारे में जो जन समर्थन मिला है उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ जहाँ गए हैं तो 11वां जिला चल रहा है, बहुत लोगों का प्रेम प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, महिलाएं काफ़ी संख्या में निकल करके बाहर आ रही हैं और जो आज महंगाई से परेशान हैं हर चीज़ को लेकर के, और हर जिले की हर क्षेत्र की अपनी छोटी छोटी अलग अलग समस्याएं हैं। जो सामूहिक समस्याएं मिली तकरीबन सड़कों की है, आज स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्टाफ नहीं है, इस सरकार से लोग काफ़ी परेशान हैं। आज अभी सर खबर आई है सिरसा जिले में दौरा है सीएम का, सरपंच को और जो विरोध कर रहे हैं उनको स्टेज से उतारा जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अहंकार दिखाई दे रहा है। इन्होंने हमारे जब जननायक चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने थे, ये प्रोग्राम सबसे पहले कि भाई एक मुख्यमंत्री गाँव में जाकर के लोगों से मिलेगा, उनकी बात सुनेगा, ये उन्होंने शुरुआत करी थी। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए, इन्होंने कहीं ना कहीं नकल तो करने की कोशिश करी, लेकिन इनमें वो धीरज नहीं है, इनमें वो सहन शक्ति नहीं है बैठ करके आराम से लोगों की बात सुन सके। और आज अहंकार है, तभी पिछले दिनों जब भिवाणी आए थे तो भिवाणी में भी कुछ ऐसे वाक्य हुए, अब सिरसा गए तो वहाँ पर भी हमने दो दिन हो गए लगातार देख रहे हैं, और कल तो मुख्यमंत्री ने सरेआम माइक पर ये बात बोली है, उठाओ इसको, आम आदमी का कार्यकर्ता है, पीटो इसको ले जाकर के बाहर। एक मुख्यमंत्री के मुँह से ये भाषा अच्छी नहीं लगती। क्या लगता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लगातार कहते हैं कि गठबंधन टूट जाएगा, आपको क्या लगता है सर? जिस हिसाब से लगातार दोनों पार्टियों के बयान आ रहे हैं, इस बात से तो ये लगता है कि बीजेपी जल्द कोई फैसला कर सकती है इनके ऊपर। क्या ऐसा लगता है, कह सकते हैं क्या मजबूती का नहीं मजबूरी का गठबंधन है, क्योंकि भाजपा लगातार जजपा को इग्नोर कर रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल मजबूरी का गठबंधन है, लगातार जिस हिसाब से जेजेपी वाले कहते हैं कि भाई हम तो गठबंधन में चलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री स्पष्ट कह देते हैं कि नहीं, हम तो सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे, इनका गठबंधन सरकार के साथ है, पार्टी के साथ नहीं है। सरकार बनने पर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए खास तौर पर क्या मुख्य बात रहेगी? मुख्य जो हमारे युवाओं के लिए है, हमने रोजगार की बात करी है, आज तकरीबन 3.25 लाख नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर खाली हैं सरकारी नौकरियां, सबसे पहले तो उनकी पूर्ति कैसे करी जाए उसके ऊपर काम करेंगे। और महिलाओं को सबसे बड़ी समस्या आज घर के अंदर चूल्हे की होती है, प्रधानमंत्री ने जगह जगह कह तो दिए चूल्हे लगाओ, और कहा था मैं गैस के सिलेंडर मुफ्त दूंगा, लेकिन उसका कोई प्रावधान नहीं किया। हमारा फैसला है सरकार बनने पर एक सिलेंडर मुफ्त देंगे और 1100 रुपये उनको अपने घर का चूल्हा, घर चलाने, किचन चलाने के लिए देंगे। अंत में हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो सभी साथियों को एक बात कहूंगा, आपसी भाईचारा कायम रखो, इस सरकार ने कई बार कोशिश करी भाईचारा बिगाड़ने की, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके प्रदेश को बचाने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए एक बड़ा फैसला करो। ये थे हमारे साथ सिरसा जिला के चेयरमैन और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता करण सिंह चौटाला, मैं अजय झोड़ कैमरामैन सहयोगी विजय झोड़ के साथ।